उत्तर प्रदेश की निकाय चुनाव के बाद यहाँ पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शुरू हो गया है। ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी 80 लोकसभा सीट पर बढ़त हासिल कर सकती है। तो क्या अखिलेश यादव गठबंधन का इशारा कर रहे हैं? तो क्या ये मान लिया जाए कि अखिलेश यादव के साथ एक बार फिर राजा भैया देखने को मिल सकते हैं? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सियासत घमासान शुरू हो गया है। केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक बयान दे रहे हैं और इसके साथ साथ देखा जाए तो यहाँ पर चाचा शिवपाल भी इन बयानों का जवाब दे रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि चाचा शिवपाल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में लग चुके हैं और यहाँ पर अपने भतीजे अखिलेश यादव को जो है भरोसा दिला रहे हैं कि इस बार 80 सीटों पर बढ़त हासिल करेंगे। लेकिन इसके पीछे पीछे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महागठबंधन हो सकता है। दर्शकों, आपको याद होगा मैनपुरी का चुनाव, आपको याद होगा खतौली का चुनाव और रामपुर का उपचुनाव। इन तीनों चुनावों में कहीं ना कहीं राजा भैया ने अपना प्रत्याशी ना उतार कर ये साबित कर दिया था कि पर्दा के पीछे से आज भी राजा भैया अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं। वहीं मायावती का जिक्र करें तो बुआ और बबुआ की जोड़ी इस बार फिर से कमाल कर सकती है अगर गठबंधन होता है। तो दर्शकों, सवाल ये उठता है कि क्या महागठबंधन इस बार योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका देगी? हालांकि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव में अखिलेश यादव को जो है तगड़ा झटका लगा था, मेयर नहीं बना पाए, लेकिन इसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं गठबंधन के सहारे ये दावा ठोक रही है कि इस बार योगी आदित्यनाथ जो है हार जाएंगे। अब देखना यह पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले क्या अखिलेश यादव का दांव काम करेगा, क्या चाचा शिवपाल जो है गठबंधन करके यहां पर सरकार बना लेंगे, और 80 लोकसभा सीटों पर अगर समाजवादी पार्टी खड़ी उतरती है तो क्या यह मान लिया जाए कि जो 30 साल पुराना सपना समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने का देख रही है पूरा हो जाएगा? आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।